मेरे फादर जो हैं उन्होंने ही सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है हर चीज़ में। कुछ भी ज़रूरत पड़ती थी, किताबें मंगवानी है, टेस्ट सीरीज मंगवानी है करोल बाग से, तो वही लेकर आते थे मेरे लिए ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो, मैं यहीं पर रहूँ घर पर। मेरी मदर ने मेरे को हर तरीके से सपोर्ट किया है। मेरी मदर होम मेकर है। मेरे भाई का मॉरल सपोर्ट था। जब शुरू के मेरे दो अटेम्प्ट नहीं हो पाए थे तो जो एक तरीके का डीमोटिवेशन है उससे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने उभारा मुझे ताकि मैं थर्ड अटेम्प्ट में अच्छे से प्रिपेयर कर सकूँ। अपनी सेल्फ स्टडी से यूपीएससी क्रैक करके 214वीं रैंक हासिल करने वाली हर्षा शर्मा का कहना है कि यहाँ तक पहुँचने में उनकी पेरेंट्स ने खास मदद की है। जब भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो उनके पेरेंट्स उन्हें उपलब्ध करवाते और वो उन्होंने घर रहकर ही पढ़ाई की है, जिसके बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और आज उनके घर में और परिवार में बहुत खुशी का माहौल है। कब से इसकी तैयारी कर रही थी और 3 अप्रैल अटेंड आपने क्लियर किया है, कोचिंग भी नहीं है, कैसे संभव है? जी, मैं इसकी तैयारी 2019 की शुरुआत से कर रही थी। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। कोचिंग के बिना ये संभव इस हिसाब से हुआ कि मैंने जाना कि इसमें क्या स्टडी मटेरियल है और उसको रिगरसली रिवीजन किया, पढ़ा, कंसेप्ट क्लियर करे, बैक टू बैक बुक्स को पढ़ा, स्पेशली एनसीईआरटीज को, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, न्यूज़ को कवर किया करंट अफेयर्स के लिए, न्यूज़पेपर से, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, वहाँ से, तो उस हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन को पूरा किया। पहले 2 साल में मेरे को प्रीलिम्स और जो शुरू के पहले 2 अटेम्प्ट में उसमें प्रीलिम्स में मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहे थे। जीएस और सीसैट दोनों में ही तकलीफ थी। तो जीएस के लिए मैंने हर सब्जेक्ट को स्पेसिफिक पढ़ाई करी, हर सब्जेक्ट की स्पेसिफिक तैयारी करी। एक सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी और उसके बाद एक स्टैंडर्ड बुक को पढ़ा। उसके बाद उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, कम से कम 10 बार रिवाइज किया था हर चीज को। छोटे नोट्स बनाए थे, जो एक क्विक नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स, उनको बार बार रिवाइज किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे थे ताकि अंदाजा हो जाए कि पैटर्न क्या है, और उस हिसाब से मैंने वो किया। सीसैट के लिए मैंने फिर से 9th और 10th की जो मैथ्स की बुक्स हैं उनको सॉल्व किया ताकि मेरे पास एक मैथमेटिकल जो एबिलिटी का जो लिंक जो टूट गया था आफ्टर स्कूल वो वापस से जुड़ जाए। तो यही मैंने किया अपने मॉक इंटरव्यूज में मैंने तैयारी अपनी की थी। लगातार जो है फेस टू फेस इंटरव्यूज देकर, मेरे मेंटर हैं, मेरे मेरे ब्रदर हैं, उन्होंने मेरे इंटरव्यूज लिए थे डेली बेसिस पे, और हमने वीडियोस देखी थी टॉपर्स की कि उनका जो एटीट्यूड है, अप्रोच जो है मॉक इंटरव्यूज में उनका कैसा रहता है, उसको मैंने समझा और उसको अपने बिहेवियर में डाला। अपने डैश को प्रॉपरली मैंने प्रिपेयर किया था विद टाइम, और उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्रिएट की थी, अप्रोच को रैशनल रखा था, ऑनेस्टी के साथ आंसर देना है और कॉन्फिडेंस रखना है, यही इसी चीज की मैंने लगातार प्रैक्टिस करी थी। बाकी तो सेल्फ बिलीफ होता है खुद पर, दोनों चीजें ही थी। सबसे बड़ा कारण उसका ये था कि नोएडा में मैं रहती थी अपने फादर के साथ और मुझे करोल बाग जाना पड़ता था कोचिंग के लिए। उसमें करीब करीब मेरा आने जाने का मिलाए तो 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते थे, इसलिए मेरा हर दिन टाइम बहुत वेस्ट होता था, साथ में पैसे भी लगते थे। तो आफ्टर 6 मंथ्स मैंने ये सोचा था कि अब क्योंकि मेरे को अंदाजा हो गया है, सब्जेक्ट्स का पता है, बुक्स का पता है, तो मैंने इसीलिए फिर अपनी प्रिपरेशन घर से ही स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद अब रिवीजन की ज्यादा जरूरत है, और इसलिए फिर मैंने रिवीजन किया और मॉक टेस्ट लगाए थे प्रीलिम्स के, काफी सारे लगाए थे। वो भी मैंने बुकलेट्स परचेज कर ली थी, मैंने एज सच कोई
जो टेस्ट सीरीज है वो नहीं ज्वाइन करी थी किसी इंस्टीट्यूट की। पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे ज्यादा था, मेरे फादर जो हैं उन्होंने ही सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किया है हर चीज में। कुछ भी जरूरत पड़ती थी, किताबें मंगवानी है, टेस्ट सीरीज मंगवानी है करोल बाग से, तो वही लेकर आते थे मेरे लिए, ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो, मैं यहीं पर रहूं घर पर। और मेरी मदर ने मेरे को हर तरीके से सपोर्ट किया है। मेरी मदर होम मेकर है। मेरे भाई का मोरल सपोर्ट था, जब शुरू के मेरे दो अटेम्प्ट्स नहीं हो पाए थे तो जो एक तरीके का डीमोटिवेशन है, उससे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने उभारा मुझे ताकि मैं थर्ड अटेम्प्ट में अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं। मेरी स्कूलिंग पंजाब से हुई है, डिस्ट्रिक्ट पटियाला राजपुरा टाउन, वो मेरा बर्थ प्लेस है। मैंने अपनी 12th वहीं तक करी और उसके बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली आ गई थी। सो मेरी पढ़ाई जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से आगे की पूरी हुई है। मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी था और उसी को ही मैंने अपना ऑप्शनल भी बनाया आगे जाकर। यूपीएससी का सपना मुझे स्कूल टाइम में 11th के टाइम पर मुझे मालूम पड़ा था। मेरे फादर ने मुझे बताया था अबाउट यूपीएससी, व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी एंड हाउ अ पर्सन कैन सर्व द सोसाइटी। तो उस चीज को मैंने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व भी करा, तो ये सब मैंने दिल्ली में आके देखा भी। इससे मुझे और प्रेरणा मिली कि मुझे सर्विसेज में आना है ताकि मैं एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकूं सोसाइटी में। तो बस यही मेरी प्रेरणा का स्रोत है। आगे का क्या सपना? आगे का सपना जो है मेरा वो है अच्छे से काम करना। ड्यूटी जो मिली है उसको अच्छे से करूंगी, लॉ के अकॉर्डिंग चलना, स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट पर काम करना, हेल्थ सेक्टर पर काम करना, एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन ही नींव होती है एक मैच्योर सोसाइटी की, एक ग्रोइंग सोसाइटी की। तो एजुकेशन वुड बी माय प्रायोरिटी। मुझे लगता है कि यूपीएससी के लिए अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, एक सेल्फ बिलीफ है, तो आप कर सकते हो। आपको अगर फेलियर देखना भी पड़ रहा है तो आप उससे घबराइए मत, क्योंकि फेलियर्स जो हैं वो आपको सिखाते हैं कि आपने कहाँ गलती करी है, और फिर आप उससे सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। और ये मैंने भी अपनी जर्नी में सीखा। दूसरी चीज ये है कि उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। गलत जो कुछ सोचते हैं, जैसे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, डिप्रेशन आता है, ये सब की तरफ आगे नहीं जाना है। पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए। और ये एक एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम की तरह ही लेना चाहिए। ये लाइफ से ज्यादा बड़ा नहीं है। अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आती ही रहेंगी,